Understand this basic topic, which is how do you increase the Jupiter part of the Guru Tattva in yourself. अपने अंदर personality में जब हम Guru Tattva जगाते हैं, फिर कोई कहाँ क्या बैठा है, उसका उतना फर्क नहीं पड़ता. Guru Tattva is nothing but trust. The day we start trusting people, Guru Tattva जगने लगता है. But there are some people who just can't trust people because why they can't trust people? Because वो मुझे धोखा दे जाएगा. ओके, धोखा दे जाएगा, कितने का धोखा दे जाएगा? हैव अ फिल्टर. ₹1000 तक तो अलाउ पीपल टू गिव यू धोखा. ₹1000, ₹1000. आई एम नॉट सेइंग ट्रस्ट पीपल फॉर 1 करोड़ और 10 करोड़ और 20 करोड़, बट यू कैन ट्रस्ट पीपल फॉर ₹1000 एटलीस्ट. और एंड नाउ एज यू ग्रो ओल्ड एंड एज टाइम पासेस एंड एज यू बिकम रिचर, स्टार्ट इंक्रीजिंग दिस अमाउंट. ट्रस्ट पीपल फॉर 5000, ट्रस्ट फॉर 10000, ट्रस्ट फॉर 50000, ट्रस्ट फॉर 1 लाख. The moment we start doing, we'll sort out a lot of things in our life. That is one. Second is, do not be judgmental. If you are too much judgmental, we are destroying the Jupiter element. We are increasing the Mercury element. Mercury element, as I see in my consultation, and as I see today, the two things which are maximum in people is Mercury and Venus. सारी चीजें होती हैं सब में. Only चीज ये कि भी balance किसका करना है. और अगर एक चीज को ज्यादा करना है तो वो ये, क्योंकि ये जितनी भी ज्यादा होगी गुरु तत्व जितना भी ज्यादा होगा वो उतना ही कम होगा. पूरा भी हो सकता है, बाकी सारे निकल जाएं तो, और पूरा 100% गुरु तत्व हो जाए तो भी इट इज ओके, इट इज गुड. लेकिन व्हाट इज हैपनिंग प्लीज एंड टेल मी हाउ मेनी पीपल आइडेंटिफाई और हाउ मेनी पीपल एग्री. मरकरी इज चिंदीपना. मरकरी चिंदी, छोटी चीज, छोटी बात, छोटा क्वेश्चन. मर्करी विल ऑलवेज आस्क छोटा क्वेश्चन, छोटी बात. वो मीटिंग्स भी हो रही होंगी बड़ी बड़ी बॉस के साथ, तो बॉस भी हो सकता है ऐसा हो या कोई छोटी सी बात बोलेगा कि जैसे कि अगर केक है तो केक कौन सा वाला है, वनीला बेस्ड है, चॉकलेट बेस्ड है, फ्रूट बेस्ड है. वो एक बड़ी चीज है कि भी केक कौन सा है, तो वो बड़ी बात हुई, वो जुपिटर वाली बात हुई कि आप सेलेक्ट कर रहे हैं कि मुझे चॉकलेट का केक चाहिए. वो पूरा मर्करी बोलेगा कि चेरी आधी कटी होगी या पूरी होगी, वो मरकरी है. पूरे केक में वो केक कोई सा हो, ब्लैक फॉरेस्ट है, वनीला, चॉकलेट, फ्रूट, स्ट्रॉबेरी, कोई लेना देना नहीं, वो सिर्फ उस पे आ जाएगा. या वो इस पे आ जाएगा कि मैंने कितने लोगों को देखा है हैप्पी बर्थडे में बर्थडे की स्पेलिंग रॉन्ग है, वो मरकरी है. उसको कोई लेना देना नहीं कि ये कट के केक खाना है हमने और बहुत अच्छा केक है और बहुत अच्छा बना है और अच्छी भावना से बना है और अच्छा फंक्शन हो रहा है. वो अटक जाएगा हैप्पी बर्थडे में बर्थडे की स्पेलिंग, वो मरकरी है. ऐसे लोग बहुत हैं हमारे जीवन में. एग्जांपल्स लेके बता रहा हूं मैं आपको, अपने एग्जांपल्स ढूंढो. आप भी हो सकता है ऐसे हो. जब आप ऐसे हो जाओगे तो बस आपको यही समझ में आएगा, जो छोटी चीज के पीछे जाएगा, जो जितनी चीज के पीछे जाएगा उसकी व्यक्तित्व तो उतने का ही हो जाएगा. बड़ी चीज के पीछे जाना चाहिए. तो जैसे इन्वेस्टर भी है तो स्टॉक मार्केट में वो वाले स्टॉक का उसका बैलेंस शीट उसमें, ऐसे लोग भी चाहिए हमें मार्केट में, लेकिन हमें नहीं बनना. और ऐसी जरूरत कभी कभी होती है, लेकिन वो बिगर पिक्चर मिस कर जाते हैं. मतलब वो शिप डूब रहा होता है और वो अंदर ही उस टाइम पे वो चेक कर रहे होते हैं कि ये ग्लास मेरे ठीक रखे नहीं रखे. शिप ही डूब रहा है और 2 घंटे में सब नीचे चला जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ना. तो वो कभी भी लार्जर पिक्चर समझ ही नहीं आएगी. रिलेशनशिप्स में ऐसे होता है, बीवियां ऐसी होती हैं, आदमी ऐसे होते हैं, बहुत बहुत लोगों के साथ इस तरह की चीज होती है. एंड मीना आप गलत जगह पूछ रहे हैं लोग, प्लीज आस्क टू दैट में. ठीक है, तो ये लोग पहले तो गुरु तत्व जगाने के लिए ये देखो कि ये मरकरी एलिमेंट हटा दो. फिर वीनस एलिमेंट भी क्या है, वीनस इज वेरी गुड, ग्रेस है अच्छी, पर उसके पीछे ही नहीं भाग सकते सिर्फ भोगने के पीछे, कि सिर्फ मेरे को गाड़ी मेरी अच्छी होनी चाहिए, कपड़े अच्छे होने चाहिए, मेरी शक्ल अच्छी होनी चाहिए. यह सब होना चाहिए लेकिन उसकी एक लिमिट होनी चाहिए. आप सिर्फ उसी एलिमेंट को पकड़ के अपना पूरा जीवन नहीं काट सकते. एक स्टेज में आपने कर लिया सब, फॉरेन कंट्री चले गए, यॉट में चले गए, मेडिटेरियन सी हो गया, फोटो खींच की, एफिल टावर भी हो गया और कपड़े भी हो गए और खूबसूरती होगी और सारे काम हो गए. अब कहीं तो ब्रेक करो, नहीं और ढूंढना है और अब और लेवल का ढूंढना है, कहीं तो इस पे ब्रेक लगना पड़ेगा. तो ये वीनस और मर्करी इज व्हाट आई सी टुडे बहुत ज्यादा है लोगों का. केतु इज अनदर एलिमेंट जो कंफ्यूजन के रूप में, जो केतु है वो ज्यादा दिखता है. स्पिरिचुअलिटी का केतु मुझे नहीं दिखता. ठीक है, तो केतु का स्पिरिचुअलिटी को आप जगाओ.
दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज क्या है, स्पिरिचुअलिटी का मैं आप लोगों को बहुत गुरु मंत्र देने वाला हूँ। स्पिरिचुअलिटी देने के दो ही तरीके हैं, एंड हम लोगों के पास जो हम सुन रहे हैं और मैं बोल रहा हूँ एक ही तरीका है, वैसे दो तरीके हैं। दो तरीके, एक तरीका तो है कि सब कुछ छोड़ ही दिया और चले गए स्पिरिचुअल बन गए, ये सबसे आसान तरीका है, एंड हमारे सनातन धर्म में इसको बड़ा दर्जा नहीं दिया गया। ठीक है, सब छोड़ के चले गए और कुछ कर लिया, वो तो ईजी तरीका है, स्पिरिचुअल हो, मैंने बीवी बच्चे सब छोड़ दिया। ठीक है, हमारे जितने भी भगवान पूजे जाते हैं सब परिवार से ही पूजे जाते हैं, हमने देखा होगा सबका परिवार होता है, सबकी शादी, बच्चे, सब 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 कुछ कर रखा है। ठीक है, सब कुछ करते हुए स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना इज द बिगेस्ट चैलेंज, एंड वो बिना धन के नहीं आता। तो कॉरोलरी टू इट इज कि अगर आप गरीब हैं आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं जा सकते, अनलेस अंटिल आप छोड़ दो। आप बोलो मुझे बेटे से कोई लेना देना नहीं, बेटी से कोई लेना देना नहीं, कहीं मर्जी तुम बाढ़ में जाओ, मैं स्पिरिचुअल, ऐसे तो स्पिरिचुअल बन जाओगे, लेकिन ना छोड़ते हुए बिना धन के। दैट्स व्हाई व्हेन आई मेड माय चैनल एंड आई कॉल इट लाइफ सूत्रा, तो बहुत गहरी बात है, पैसा और खुशी और शांति उसी से जब अबंडेंस आएगी तभी आप लाइफ में इन चीजों के सोच सकते हो। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, अगर आपके पास पानी नहीं है, प्यास लग रही है और पानी दिख भी नहीं रहा है, तो ऑल यू कैन थिंक ऑफ इज पानी। सिमिलरली इफ यू डू नॉट हैव द मनी एंड यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाइक ऑल ऑफ अस हैव, यू कैन नॉट थिंक अबाउट स्पिरिचुअलिटी, यू विल थिंक अबाउट मनी ओनली। सो सिंस यू आर थिंकिंग अबाउट मनी ओनली ऑल द टाइम, सो यू कैन नॉट बी स्पिरिचुअल। एंड व्हेन आई से मनी, इट इज लाइक व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट बच्चे की नौकरी, बच्चे की एजुकेशन, कुछ घर, ये इट इज ऑल मनी ओनली। अगर आपके पास 50 करोड़ हैं बैंक में तो आप बच्चे की क्या नौकरी लगेगी की चिंता नहीं करोगे बाबा, नहीं करोगे आप। आपको जितनी चिंताएं हैं वो चिंताएं हैं कि जो भी आपका छुटका मुटका जो भी प्रोग्राम है वो सस्टेनेबल है, आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ रहा। तो जब सारा एनर्जी उसमें ही चली जाएंगी तो फिर स्पिरिचुअलिटी कहां से आएगी। तो धनी आदमी क्या सारे स्पिरिचुअल हैं? नहीं, बट धनी आदमी का स्पिरिचुअल बनने का चांस बहुत ज्यादा है। एंड यू कैन लुक एट पीपल्स फेसेस एंड टेल वेदर दे आर स्पिरिचुअल। आई फाइंड मुकेश अंबानी जी वेरी स्पिरिचुअल, यू हैव टू आंसर यस ऑन, लुक एट हिज फेस। पीपल हैव दिस हेट्रेड टुवर्ड्स कैपिटलिस्ट एंड पीपल हु मेक मनी, बट अपनी शांति से देखो कि मतलब चेहरा देखो जब भी, जो भी आप विजुलाइज कर सकते हो। सैटर्न केतु है उनका साथ, वो अलग बात है, इतने लोगों को उनने एम्प्लॉयमेंट दे रखा है, एंड मैं तो कुंडली देख के भी बता रहा हूँ कि वो है, ठीक है, योग है, एंड चेहरा देख के भी बता रहा हूँ। आप लोगों को बताना है यू एग्री और नॉट एग्री, एंड इफ यू डू नॉट एग्री देन देर इज सम प्रॉब्लम इन योर लुकिंग। ट्रूथ इज दैट इट इज देयर, ठहराव है, दिखता है। बहुत लोगों में नहीं दिखता जो बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, नहीं दिखता उन्हें। मैं बाकियों का नाम नहीं लिया किसी का, बहुत लोगों का नाम लिया जा सकता है इंडिया में, बहुत लोगों का नाम लिया जा सकता है। एक फैमिली जिसपे इतना कुछ उल्टा सीधा, आप अगर गरीब हैं, कमजोर हैं और आपको कोई उल्टा सीधा कहे तो समझ में आता है, ठीक है। Somebody who controls so much, who has media, houses, everything, उनके खिलाफ बोले तो गुस्सा तो चढ़ना चाहिए, मैं चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, किसने बोला, बोल के दिखा मुझे, तू जानता नहीं मेरा बाप कौन है। अब जिसका बाप मुकेश अंबानी है और वो मुकेश अंबानी को खुद कुछ बोले तो भी वो स्पिरिचुअलिटी एलिमेंट तो बहुत हाई है मेरे हिसाब से। तो इट कैन बी देयर, यू लुक एट वॉरेन बफे, ठीक है, लुक एट लॉट ऑफ पीपल। आई एम नॉट टेकिंग टू मेनी इंडियन नेम्स एंड ऑल विच आई नो, बिकॉज आई डोंट नो, उसमें फिर वो हम उधर बहसबाजी में चले जाएंगे, नहीं उसने उस टाइम ऐसे बोला, ये किया, मैं नहीं मानता एक्चुअल में, आई डोंट वांट टू गेट इनटू ऑल दैट, ठीक है, आर्गुमेंट्स का कोई एंड नहीं होता, ठीक है। तो दिस वॉज इट वॉट आई वॉन्टेड टू टेल, दैट गुरु तत्व जगेगा जब आप मरकरी और वीनस को पहले छोड़ोगे। गुरु तत्व सब में है, हम सब ट्रस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। ट्रस्ट करना बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि वो एक इंसान जिसने आपको धोखा देना है उसने देना ही देना है, और 99 लोगों को जिनको आपको ट्रस्ट ब्लाइंडली करना चाहिए था आप उस एक इंसान से बचने के लिए नहीं कर रहे, तो उन 99 को ट्रस्ट करके जो आपकी लाइफ यहां से यहां पहुंच जाती वो पहुंचती नहीं है, और वो एक इंसान जिसने करना था वो आता है अपना करके आपको यहां ले जाता है। तो आपकी लाइफ यहां थी, आपने कुछ नहीं किया ट्रस्ट, बिकॉज आपको नहीं कर सकते ट्रस्ट क्योंकि आप यहां नहीं जाना चाहते। तो आप अगर
99 लोगों से वंचित हो गए, आप यहाँ पहुंच जाते, वो धोखा देने वाला आपको यहाँ से गिरा के यहाँ तक ही गिराता, लेकिन क्योंकि आप यहाँ से यहाँ नहीं गए तो यहाँ से यहाँ गिर गए, तो आप यहाँ हो सकते थे पर यहाँ ही रह गए। यू गेट दिस मैसेज। डिफॉल्ट सेटिंग पे आपको कितने लोगों को ट्रस्ट करना पड़ता है? व्हेन यू सिट इन एन एयरक्राफ्ट, डू यू ट्रस्ट द पायलट विल लैंड? दारू पी के नहीं बैठा होगा, डीजीसीए ने उसके सारे क्लियरेंसेस ठीक तरह से देखे होंगे, उसका मेडिकल ठीक तरह से हुआ होगा, उसकी मेंटल हालत ठीक है, दोनों पायलट लैंड कर देंगे जहाज को? अगर जहाज मौसम खराब होगा तो भी लैंड कर देंगे, उनको आता होगा जहाज लैंड करना? ट्रेन का ड्राइवर को ट्रेन चलानी आती होगी, रात को सोएगा नहीं? क्या ट्रस्ट करते हो? खाना खाने जाते हो रेस्टोरेंट में तो ट्रस्ट करते हो कि यार साफ सुथरा ठीक ठाक शायद खिलाई देंगे, गंदगी नहीं होगी? दफ्तर जाते हो तो ट्रस्ट करते हो बीवी मेरी बीवी ही रहेगी, किसी और की नहीं हो जाएगी 12 घंटे में? ट्रस्ट करना ही पड़ता है ना, नहीं तो कैसे जाओगे? 5 दिन घर छोड़ के चले गए, बच्चों को भी कहीं भेजते हो, कुछ करते हो, ट्रस्ट नहीं करोगे तो मर जाओगे। यू टेक आउट कॉन्शियसली, आप ये लिखो कि ब्लाइंडली हमें कहाँ का ट्रस्ट करना पड़ता है, एंड ट्राई टू टेक आउट दैट ट्रस्ट एलिमेंट फ्रॉम देयर एंड सी हाउ मिजरेबल योर लाइफ हैपेंस। सो इफ ट्रस्ट इज गिविंग अ सैनिटी, व्हाई नॉट इंक्रीज इट? व्हाई नॉट इंक्रीज इट? नहीं, मैं अपने बीवी बच्चों पे तो ट्रस्ट कर लूंगा, दूसरे पे नहीं करूंगा। अरे करके देख ले भाई, थोड़ा करके देख ले। ट्रस्ट क्या होता है? ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं बोल रहा, गुरु तत्व क्या है? विजडम भी है उसके पास, वो ऐसी ट्रस्ट नहीं करता सब। उसको जो ट्रस्ट नहीं करता यानी उसके पास विजडम नहीं है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि गुरु आदमी जा रहा है तो वो सब पे ट्रस्ट करता जा रहा है। वो गुरु आदमी के पास इतनी नॉलेज और विजडम है, उसको पता है किसको ट्रस्ट करना है, एंड जिसको करना है उसको करता है, और जिसको नहीं करना उसको वो अवॉइड ही करता है। वो हर किसी को मिस्ट्रस्टवर्दी नहीं बोलता, लेकिन हमारा क्या है, मर्करी एलिमेंट इतना ज्यादा है, हम सबको मिस्ट्रस्ट करते हैं अनलेस अंटिल दे प्रूव देयर लॉयल्टी और आर वेरी कंसिस्टेंट, इतना किसी के पास टाइम नहीं। तो अपना गुरु तत्व जगाओगे, आपको पता चल जाएगा किसको ट्रस्ट करना है। आई होप मैं समझा पाया। यू कैन स्टॉप द रिकॉर्डिंग, यू कैन आस्क।